So yo, what's up guys, welcome back to the channel everyone. IPL 2020 is finally here. IPL 2020 ka pehla mukabla Hitman Rohit Sharma versus Thala Mahendra Singh Dhoni. Kiska balla bolne wala hai, kya hai meri match prediction aur kya ho sakti hai playing 11, sab kuch vistar se is video mein baat karne wale hain. Sabse pehle baat kare yaar, to pehla mukabla Mumbai Indians versus Chennai Super Kings khela jayega 19 September 2020 ko 7:30 PM Indian time ke according mukabla chalu hoga aur Abu Dhabi ke Sheikh Zayed Stadium mein ye mukabla खेला जाएगा. यार बात करें तो दोनों टीमों का ऑब्वियसली पहला मुकाबला रहने वाला है और दोनों टीमें अपना 100% देने वाली है और दोनों टीमें ये ट्राई करेगी कि पहले मुकाबले से एक अच्छी कॉम्बिनेशन वाली प्लेइंग 11 वो उतार के चले, अच्छे प्लेयर्स को वो मौका दे ताकि यार आगे जाके टूर्नामेंट में आगे जाके दिक्कत ना हो प्लेइंग 11 की. वहीं पर बात करें चेन्नई सुपर किंग्स के लिए, दो बड़े खिलाड़ी अभी नहीं खेलने वाले, वो है सुरेश रैना और हरभजन सिंह, दोनों बाहर हो चुके हैं. और वहीं पर बात करते हैं मुंबई इंडियंस की टीम के लिए, तो मुंबई इंडियंस की टीम के लासित मलिंगा भी बाहर हो चुके हैं, लेकिन कायरन पोलार्ड अभी बहुत अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं. सीपीएल 2020 में उनकी टीम को वो जिता के आ रहे हैं और कायरन पोलार्ड बहुत अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं और इस मुकाबले में कायरन पोलार्ड का बल्ला बिल्कुल से बोलने वाला है. बात करते हैं दोनों टीमों की प्लेइंग 11 की, तो शुरुआत करते हैं चेन्नई सुपर किंग्स की प्लेइंग 11 से. तो चेन्नई की तरफ से शेन वॉटसन और फैफ डू प्लेसिस ओपनिंग कर सकते हैं. नंबर 3 पर खेलेंगे अंबाती रायडू, नंबर 4 पर महेंद्र सिंह धोनी और नंबर 5 पर केदार जाधव खेल सकते हैं. नंबर 6 पर रविंद्र जाडेजा खेलने वाले और नंबर 7 पर ड्वेन ब्रावो खेलने वाले हैं. इसके बाद इनकी टेल आ जाएगी जो है नंबर 8 पे दीपक चाहर, नंबर 9 पे शार्दुल ठाकुर, नंबर 10 पे पीयूष चावला और नंबर 11 पर इमरान ताहिर. यहां पर पीयूष चावला की जगह आर साई किशोर को भी मौका मिल सकता है. तो ये कुछ प्लेइंग 11 चेन्नई सुपर किंग्स की हो सकती है. इसके बाद बात करते हैं मुंबई इंडियंस की प्लेइंग 11 की, तो क्विंटन डिकॉक और रोहित शर्मा ओपनिंग करने वाले हैं. क्रिस लिन थोड़ा सा दिक्कत में है. नंबर 3 पे सूर्य कुमार यादव खेलेंगे, नंबर 4 पे ईशान किशन, नंबर 5 पे हार्दिक पांड्या, 6 पे क्रोनल पांड्या और नंबर 7 पे कायरन पोलार्ड. और आपको बताऊं तो हार्दिक पांड्या, क्रोनल पांड्या और कायरन पोलार्ड में से कोई भी कभी भी ऊपर नीचे बैटिंग करने आ जाएगा. और इसके बाद इनकी टेल आ जाएगी जो है नंबर 8 पे नेथन कुल्टर-नाइल, नंबर 9 पे राहुल चहर, नंबर 10 पे ट्रेंट बोल्ट और नंबर 11 पर जसप्रीत बुमराह खेलने वाले हैं. यहां पर नेथन कुल्टर-नाइल की जगह मे बी एक एक्स्ट्रा स्पिनर लेके उतर सकती है मुंबई की टीम, मे बी जयंत यादव या मे बी प्रिंस बलवंत राय. और हो सकता है कि मुंबई की टीम सिर्फ 3 फॉरेन प्लेयर्स के साथ पहले मुकाबले में उतरे. सो ये तो हो गई दोनों टीमों की प्लेइंग 11. बात करते हैं मैच प्रेडिक्शन की, तो मेरे को लग रहा है ये पहला मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स की टीम जीतने वाली है. रोहित शर्मा थोड़ा फेल होने वाले हैं, मेरे को ऐसा लग रहा है. मेरी मैच प्रेडिक्शन तो ये है कि रोहित शर्मा फेल होंगे और चेन्नई सुपर किंग्स की टीम ये मुकाबला जीत सकती है. आपकी क्या मैच प्रेडिक्शन है और कौन सा प्लेयर सबसे अच्छा खेल सकता है नीचे कॉमेंट करके बिल्कुल से बता देना. मैं अर्चित जैन, IPL 2020 के प्रीव्यूज में आपके साथ हमेशा बने रहूंगा. बाय बाय, टेक केयर.